विशेष विभाग में आज मैं आपको जन्म कुंडली के आधार पर जातक को किस देवता की उपासना करनी चाहिए या किस इष्ट देव का चयन करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। दर्शकों, आज हम जानेंगे वृषभ लग्न के बारे में। जिस जातक का वृषभ लग्न होता है ऐसे जातक के पंचम स्थान में कन्या राशि होती है, नवम स्थान में मकर राशि होती है। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है, कन्या राशि का स्वामी बुध है और मकर राशि का स्वामी शनि है। ऐसे जातक को शुक्र, बुध और शनि से जुड़े हुए देवताओं की उपासना करनी चाहिए, यानी कि ऐसे जातक को महालक्ष्मी जी, भगवान गणेश और दुर्गा और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इन देवताओं का इष्ट देव के रूप में पूजन करने से जातक को जीवन में बहुत ही शुभ फल मिलता है। इसके अलावा वृषभ लग्न वाले जातक को हीरा, पन्ना या नीलम धारण करना चाहिए। यह रत्न धारण करने से भी जातक को शुभ फल मिलने लगता है। ऐसे जातक को नियमित रूप से महालक्ष्मी मंत्र, महालक्ष्मी अष्टक, श्री सूक्त, महालक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, देवी अथर्वशीर्ष, गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीर्ष, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं।